आज हमारा वीडियो नंबर 27 27। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज है। टॉपिक इज वर्टिगो टेस्ट एंड दिस प्रोसीड्योर। कि वर्टिगो टेस्ट है क्या और क्यों ये जरूरत है? पहले तो हम जानते हैं कि वर्टिगो है क्या। वर्टिगो एक ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है जिससे क्या है, हमारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाने से आदमी ऊपर से गिर जाता है। अगर आप वर्कर टाइप में काम करने के लिए किसी को एंगेज कर रहे हैं, देन दैट पर्सन शुड नॉट हैव वर्टिगो। वर्टिगो का एक टेस्टिंग मेथड्स है। अगर एक आदमी है तो वर्टिगो एक अंडरलाइंग एक बीमारी है, मतलब जो बाहर से पता नहीं चलता है। ये कोई शुगर प्रेशर या ऐसा टाइप का कुछ है नहीं, इसका कोई अलग मेजरमेंट सिस्टम है नहीं। तो इसके लिए वर्कर को मेडिकल चेकअप के दौरान अगर हम वर्टिगो टेस्ट इंक्लूड करेंगे, तो जैसे बहुत जगह में बहुत क्रिटिकल जॉब में साइकोमेट्री टेस्ट होता है, वैसे ही वर्टिगो एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो कि साइट पे किया जा सकता है विथ सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स विद द हेल्प ऑफ वन मेडिकल ऑफिसर एंड फर्स्ट एडर हु इज ट्रेंड, एंड देयर शुड बी सम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट फॉर दैट वर्टिगो टेस्ट। तो अभी वर्टिगो टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉल्स आर अमंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीरियस वर्क रिलेटेड टू इंजरीज एंड डेथ्स। द सेफ्टी गाइडलाइंस एम्स टू एंश्योर सेफ्टी वाइल वर्किंग एट हाइट मोर देन 1.8 मीटर हाइट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल। सिंपल, सीरियस वर्क जो फॉल हजार्ड सबसे ज्यादा इंजुरी डेथ फटैलिटी का कारण है, यही बोला जा रहा है। वर्कर टाइप जॉब इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी एंड नॉट एवरीबॉडी इज फिट और कॉम्पिटेंट फॉर वर्किंग एट हाइट जॉब। सम में है एक्रोफोबिया और हाइटोफोबिया। हाइट फोबिया इसमें क्या है, एक्रोफोबिया जो डिजीज है, मतलब कोई कोई आदमी जो है ऊंचाई पे काम करने से डरते हैं या ऊंचाई पे जाने से डरते हैं, या ऊपर ऊंचाई से जब वो नीचे देखते हैं तो उनको डर लगता है। इस बीमारी को बोलते हैं एक्रोफोबिया। जैसे कोई कोई बीमारी ऐसा होता है कि किसी किसी का कुत्तों से डर डर लग सकता है, तो वो एक अलग टाइप का फोबिया है। तो दिस इज द जब उसको ऊंचाई से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। द टर्म इज एक्रोफोबिया। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंगेज इन वर्कर हाइट जॉब आर डिप्लॉयड आफ्टर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज डॉक्टर। डिपेंड अपॉन हेल्थ एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर्स आर गिवन ट्रेनिंग एंड देन टेस्टेड ऑन वर्टिगो मॉडल विच इज इन हाउस डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई टू एवरकम दिस क्रिटिकल जॉब रिलेटेड इशू। ये वर्टिगो एक मॉडल है जो ट्रेनिंग के बाद, वर्कर हाइट ट्रेनिंग के बाद वर्कर मेडिकली फिट है कि नहीं उसका कॉम्पिटेंसी चेक होता है बाय देन वर्टिगो मॉडल। प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस एंड एसोसिएटेड फिटनेस फॉर वर्क स्टेटमेंट। एन इंडिविजुअल कुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर वर्क इफ द मेडिकल पैरामीटर्स डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट असेसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। अगर कोई आदमी प्री एम्प्लॉय जब वो काम करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट करते हैं उसके मेडिकल फिटनेस का, और उसका हिस्ट्री देख के, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री देख के उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर वो फेल होता है तो वो क्या है, अनफिट होगा अगर उसका मेडिकल पैरामीटर्स मैच नहीं हो। तो यही है वर्टिगो का। ये जो हम वर्टिगो मॉडल बोल रहे थे, ये है वर्टिगो मॉडल। इस मॉडल को आप साइट पे भी फैब्रिकेट करके बना सकते हैं या प्लांट में भी बना सकते हैं। दिस मॉडल कैन डू अ प्रॉपर वर्टिगो टेस्ट। इसमें क्या क्या रहेगा हम देखते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहले तो आपको दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पे चढ़ने के लिए इसका लैडर, एक्सेस लैडर देना है, इसको पूरा गार्ड रेल देना है, इसमें एक लाइफ लाइन लगाना है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, और एक कनेक्टिविटी मिनिमम 200 ISMC 200 का चैनल देना है। बाकी इसमें टो गार्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है, सेफ्टी नेट होना चाहिए अगर बाई चांस वो वर्टिगो फेल हो, ये इसके चलने के दौरान गिर गया तो सेफ्टी नेट उसको बचाएगा, और इसका हाइट कितना होना चाहिए
इसको गौर कीजिएगा, हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर मिनिमम एंड द स्ट्रक्चर विड्थ शुड बी ऑफ 2 मीटर्स. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड मॉडल दैट इज कॉल्ड वर्टिगो टेस्ट मॉडल. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका प्रोसीजर जो है वो समझेंगे. वर्टिगो प्रोसेस क्या है? वर्टिगो प्रोसीजर इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर हाइट. फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैज टू गो अंडर इनिशियल मेडिकल टेस्ट सच एज बीपी पल्स. ओके, बीपी और पल्स उसका चेक किया जाएगा. दिस टेस्ट इज कैरीड आउट बाय द फर्स्ट एडर. इफ बीपी पल्स रेट इज नॉर्मल कंडीशन then workmen will be informed to wear all safety equipment gear such as harness, helmet, safety shoes, etc. and then to climb on the structure and he has to walk on a 200 mm beam 5 meter which is installed on the structure. The same walking procedure carried for one round on the beam. isme kya bola ja raha hai ki jo 5 meter height ka structure hai उसके ऊपर जो वर्कर काम करने के लिए आए हैं उसको वहां पे पहले चढ़ना है. उसके पहले उसका बीपी और पल्स रेट नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं उसको चेक कर लेना है. अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको सभी पीपी इक्विपमेंट पहनना पड़ेगा जो कि वर्कर हाइट में जरूरी है, जैसे सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी शू एंड हेलमेट. उसके बाद वो चढ़ने के बाद उसको क्या करना है, जो 200 mm का जो चैनल है जो 5 मीटर लंबाई है उसका, उसके ऊपर से उसको चलना है. एक बार चलने के बाद फिर उसको वन राउंड में, मतलब जाने के बाद फिर उसको वापस आना है बीम से होते हुए पैदल चल के. और वो जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन में हार्नेस को हुक करना पड़ेगा फॉर एंकरेज. आफ्टर कमिंग डाउन अगेन ही हैज टू अंडरगो द बीपी एंड पल्स. जब वो नीचे आ गया फिर उसका बीपी और पल्स चेक किया जाएगा एंड अदर मेडिकल पैरामीटर्स टेस्ट टू कंफर्म एनी वेरिएशन इन द बॉडी ड्यू टू हाइट. अगर हाइट पे चढ़ा वो, उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसका कोई भी मेडिकल पैरामीटर चेंज हुआ है कि नहीं, दैट विल बी चेक्ड. इफ ऑल मेडिकल पैरामीटर्स आर इन नॉर्मल कंडीशन देन ही इज फिट टू वर्क ऑन एलिवेटेड एक्टिविटी. इफ मेडिकल पैरामीटर रिलेवेंट टू वर्क एट हाइट इज नॉट इन नॉर्मल कंडीशन देन ही इज कंसिडर्ड एज अनफिट टू वर्क ऑन एलिवेटेड एक्टिविटी. जब इसका जब वो नीचे है उसके बाद उसका मेडिकल पैरामीटर जब चेक होगा दैट शुड बी इन नॉर्मल रेंज. अगर नॉर्मल रेंज पे नहीं है, ज्यादा है, तो फिर उसको वर्कएट हाइट के लिए इनएलिजिबल माना जाएगा और उसको अनफिट कर दिया जाएगा वो एलिवेटेड एक्टिविटी करने के लिए. मतलब उसको हाइट वर्क का परमिशन या हाइट वर्क पास नहीं दिया जाए. ये था वर्टिगो टेस्ट का प्रोसीजर. जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऐसे ही उसको चल के जाना है वर्टिगो टेस्ट के द्वारा. अभी हम इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि वर्टिगो टेस्ट का क्या क्या एडवांटेज है. बाय कंडक्टिंग वर्टिगो टेस्ट इट इज टू नो और कंफर्म द वर्कमैन कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट फोबिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट और एक्सीडेंट. वर्टिगो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, मतलब टेस्ट कंडक्ट करने से हमको पता चल जाएगा कि जो वर्कमैन है वो कैपेबल है कि नहीं, उसको हाइटोफोबिया है कि नहीं, जिससे हम एक्सीडेंट या इंसिडेंट को रोक सकते. इमीडिएट फिटनेस चेक प्रायर टू डिप्लॉय इन क्रिटिकल जॉब इन वर्क एट हाइट. अब वर्क एट हाइट में कोई वर्कर को क्रिटिकल जॉब में डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसके पहले उसका इमीडिएट फिटनेस चेक आप कर सकते. Proactive system of safety awareness for workers engaged in project shutdown or maintenance. ये एक proactive system है safety awareness के लिए जो कि project में, shutdown में और maintenance में तीनों जगह में ही आप implement कर सकते. During vertigo test, before and after checking the medical parameters like BP, blood pressure, SpO2. SpO2 ये बहुत common एक terms है आजकल. COVID के दौरान आप सभी को ये term पता चल गया होगा. That is called the peripheral capillary oxygen saturation. ठीक है, इसमें ब्लड में ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है वो पता चल जाता है और पल्स रेट एक्सेट्रा विच कन्फर्म्स वेदर पर्सन इज फिट फॉर वर्किंग एट हाइट जॉब और नॉट. ओके, ड्यूरिंग टेस्टिंग इफ डॉक्टर डिक्लेयर्स अनफिट फॉर वर्क एट हाइट जॉब देन एलिमिनेट द पीपल
एंड एक्ट एज पर डॉक्टर एडवाइस, मतलब अगर डॉक्टर ने उसको वर्क एथिक्स जॉब के लिए अनफिट कर दिया तो उनको एलिमिनेट करना है, और एज पर डॉक्टर एडवाइस उनको ट्रीट करना है. नेक्स्ट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर नॉट फेमिलियर विद द क्रिटिकल जॉब लाइक वर्क टाइप एंड नेवर एक्सपोजेस इन पास्ट बाय कंडक्टिंग दिस टेस्ट, राइट पर्सन विल चूज फॉर राइट जॉब विच एनहेंस द सेफ्टी अमंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड एलिमिनेट द फॉल फ्रॉम हाइट इंजुरी. बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये पॉइंट, आप ध्यान से समझिएगा. टॉपिक में क्या लिखा है, जो भी वर्कर क्रिटिकल जॉब वर्क के टाइप लाइक एक क्रिटिकल जॉब में पहले कभी काम नहीं किया हो, या फिर जो पहले अगर दूसरे जगह में काम किया हो, इस टाइप के एक्टिविटी में काम किया भी हो, लेकिन उनको वर्टिगो टेस्ट के दौरान नहीं हो गए हैं, मतलब वर्टिगो टेस्ट नहीं किया गया है उनका पहले, तो दैट पर्सन शुड अंडरगो दिस टेस्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट फॉल हजार्ड. This vertigo test model help test and fit the person for working job. Agar wo fit hai, then we must tell that this person is fit and this person is competent to work in this work at height like critical activity. Acha, vertigo mein hum normally bolte hain ki vertigo balance, matlab vertigo jo hai wo check karte hain. तो इसमें वर्टिगो टेस्ट और एक टाइप का होता है, कैसे, जैसे माइग्रेन इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ वर्टिगो. अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है देन दैट पर्सन मे फेल इन वर्टिगो टेस्ट. और एक होता है क्या, जब हमारा कान के अंदर इनर ईयर में जो बॉडी बैलेंस करने का एक्चुअली हमारा जो अंग है वो है इनर ईयर. ओके, जिसका इनर ईयर में बॉडी बैलेंस रखने का क्षमता कम है उसको एक डिजीज होता है जिसका एक्चुअल नाम है लैबिरिंथाइटिस. ओके, इस डिजीज के दौरान वर्टिगो हो सकता है. और एक है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, BPPV, और अनदर इज वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस. ये जो डिजीजेस हैं अगर किसी को है देन वी कैन से दैट पर्सन मे फेल इन वर्टिगो टेस्ट और हाई चांस ऑफ फेलिंग इन वर्टिगो टेस्ट. अभी हम देखते हैं कि कौन सा मेडिकल पैरामीटर से आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे. दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ दैट वर्टिगो टेस्ट, मेन मोटो ऑफ द वर्टिगो टेस्ट. पहला है ब्लड प्रेशर. हम पहले उसका ब्लड प्रेशर लेंगे, फिर जब वो उतरेगा फिर उसका ब्लड प्रेशर लेना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट इज SpO2, जिसका फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, पेरिफेरल कैपिलरी ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है. ओके, नेक्स्ट पल्स रेट, उसका पल्स रेट देखना है. देन एक चीज है जिसको हम बोलते हैं निस्टेगमस, उसका निस्टेगमस हो रहा है कि नहीं. अब ये निस्टेगमस जो टर्म है एक नया टर्म होगा आपके लिए, वो मैं समझाता हूँ क्या है निस्टेगमस. निस्टेगमस क्या है, अगर कोई आदमी ऊंचाई पे चढ़ता है या फिर अचानक उसका हेड को मूव किया जाता है अचानक, तो कभी कभी क्या होता है कि उसका जो आंख है उसका जो रेटिना है वो अपने आप मूवमेंट हो सकता है. मतलब रेटिना जो है साइड बाई साइड मूवमेंट होगा या ऊपर नीचे मूवमेंट होगा या सर्कुलर मूवमेंट होगा, और उसको ब्लर विजन होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा. ये टेस्ट कैसे होता है ये यहाँ पे दिया गया है. ये निस्टेगमस जो है हम चेक कर सकते हैं किसी को ऐसा बिठा के, हम उसको अगर अचानक लेटा दे उस केस में, अगर आंखों में ये टाइप का जो भी मैंने बोला कि साइड बाय साइड रेटिना का मूवमेंट या अप एंड डाउन मूवमेंट अचानक हो रहा है और सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब उसको निस्टेगमस है. जब वो नीचे आया तो उसको निस्टेगमस अगर है देन दिस पर्सन is not eligible to do work at height. तो ये था हमारा वर्टिगो टेस्ट के एक छोटा सा ब्रीफ के वर्टिगो टेस्ट कैसे किया जाता है. नॉर्मली बहुत सारा प्लांट में जहाँ पे सेफ्टी इज हाई प्रायोरिटी, सेफ्टी फर्स्ट, वहाँ पे वर्क एट हाइट जॉब ज्यादा है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो फॉल हजार्ड को नालीफाई करने के लिए है,
पहले मेडिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है, साथ में वर्टिगो टेस्ट किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि हम लोग वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट भी करते हैं बट वर्टिगो टेस्ट नहीं करते। और वर्टिगो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बाकी मेडिकल पैरामीटर्स या नॉर्मल टेस्ट लैबोरेटरीज में नहीं हो सकता, ये एक अलग टेस्ट है। जैसे साइकोमेट्री टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, दिस इज वन स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट टू डिप्लॉय अ पर्सन और अ वर्कर और अ स्टाफ एट वर्क एट हाइट और एनी क्रिटिकल एक्टिविटीज एट एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। तो ये था आज हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे देन प्लीज लाइक, प्लीज शेयर, और हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर गेट टू गेट न्यू टाइप ऑफ वीडियोस इन वेरियस सेफ्टी टॉपिक्स और अदर इंजीनियरिंग टॉपिक्स के ऊपर भी हम बनाने का कोशिश करेंगे। और यू कैन विजिट टू आवर फेसबुक पेज विच इज सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब का जो लिंक है वीडियो लिंक दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर फेसबुक पेज। और प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वर्टिगो और यू वॉन्ट टू नो मोर प्लीज राइट, और इफ यू हैव एनी वास्ट नॉलेज अबाउट दिस टेस्ट देन ऑल्सो प्लीज कमेंट और राइट टू अस इन आवर फेसबुक पेज सो दैट एवरी वन कैन सी एंड शेयरिंग नॉलेज इज द बेस्ट टू गेन नॉलेज। रिमेंबर दैट। थैंक यू फॉर नाउ।